देखना बेटे नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में जो मैंने लास्ट सिखाया था आपको बिल्कुल सिंपल वाला मेथड सिखाया था उसमें नॉर्मल वेस्टेज बताई थी, आज बता रहा हूं मैं आपको एबनॉर्मल वेस्टेज, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, आपके गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए, आपने फ्रूट खरीदा 100 kg, आपने एप्पल लिए, लाते लाते रस्ते में कुछ खराब हो गए, या आपने कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा उसको, कहीं स्टोर नहीं किया, 10 kg या 20 kg वो खराब हो गए, तो क्या वो सेल नहीं होते? कुछ लोग जो होते हैं, कुछ शॉपकीपर वगैरह या कुछ लोग होते हैं, वो लोग परचेज कर लेते हैं, थोड़े सस्ते रेट पर खरीद लेते हैं, तो वो जितने रेट पर सेल हो जाता है वो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल वेस्टेज। वो हमारी गलती की वजह से हो गया, हमने उसको सही संभाल नहीं रखा। पोटैटो थोड़े से खराब हो जाते हैं, लोग फिर भी खरीद लेते हैं, टोमेटो खराब हो जाते हैं, परचेज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल वेस्टेज। अब ये क्वेश्चन देखना, क्लियर हो जाएगा। 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल वर इंट्रोड्यूस्ड इन अ प्रोसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 4000, 10% वेस्टेज अलाउड है। ये जो वेस्टेज होती है नॉर्मल वेस्टेज होती है। ईच यूनिट ऑफ वेस्टेज रिलाइज 2.50। एक्चुअल प्रोडक्शन, ये क्वेश्चन में दी होगी, एबनॉर्मल वेस्टेज निकालने से पहले प्रोडक्शन जरूर दी होगी। ये एक्सपेंस दी है हमारे, डायरेक्ट वेजेस 6500, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 3250। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। अब ये देखना कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए मैं बना रहा हूं पहले प्रोसेस अकाउंट। फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट, आपको फॉर्मेट बताया था मैंने, आपको यूनिट अमाउंट, ये यूनिट दिया हुआ है, ठीक है जी। फर्स्ट, सबसे पहले जो आपने इंट्रोड्यूस किया रॉ मटेरियल, टू रॉ मटेरियल 1000 यूनिट आपने इंट्रोड्यूस किया है जिसकी कॉस्ट है 4000, क्लियर जी। 1000 यूनिट आपने लगाया है जिसकी कॉस्ट है 4000 रुपीज। उसके बाद जितने एक्सपेंस हैं, डायरेक्ट वेजेस 6500, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 3250, लिखा हुआ क्वेश्चन में नॉर्मल वेस्टेज होगी, बाय नॉर्मल वेस्टेज, क्वेश्चन में देखो 10% वेस्टेज इज अलाउड, 10% हमेशा इसका निकालते हैं यूनिट का, 1000 का 10% 100, जिसको हम सेल कर रहे हैं 2.50 के हिसाब से 250, ठीक है जी। एक लाइन छोड़ देना यहां पे, क्योंकि आउटपुट दी हुई है और दूसरा कोई प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाना, एक ही अकाउंट बनाना है, तो इसमें लिखते हैं बाय फिनिश्ड स्टॉक 850 यूनिट्स दिए हुए हैं, यूनिट्स। देखो जी यहां का टोटल है 1000, जब हमने इनपुट 1000 यूनिट लगाया तो आउटपुट भी 1000 आनी चाहिए ना, लेकिन नहीं आ रही, कितनी आ रही है 950, तो 50 कहां गए, जो बाकी रह गए दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल वेस्टेज। कितने बेटे 50 यूनिट्स। अब पहले तो क्या करते थे, इनको प्लस करके माइनस करते थे, आंसर आ जाता था, लेकिन अब आपको दो यूनिट का अमाउंट चाहिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, क्या फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए। टोटल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी ऑफ
नॉर्मल लॉस, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब ये सबका सम, 6, 4, 10, 13,750, कहीं भी रफ में लिख लो 13,750 माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ये जो नॉर्मल वेस्टेज हुई थी उसकी सेल वैल्यू, ये माइनस कर दो बेटे 250 अपॉन इनपुट क्वांटिटी जो पहली बार लगाई थी हमने, इनपुट 1000 माइनस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी जिसके आगे अमाउंट लिखा होता है बेटे, हमेशा याद रखना नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी, इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आ गया 13,500 डिवाइड बाय 900, ठीक है जी, ये कॉस्ट आ गई 15 रुपए, यानी एक यूनिट 15 रुपए में सेल हो रहा है। तो अगर आपको एबनॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट निकालनी है तो इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लास्ट यूनिट कॉस्ट निकालनी है इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 को पहले 15 से मल्टीप्लाई कर दो 750, बाकी ऐसे भी निकाल सकते हो, इस टोटल में से इसको माइनस कर दो या इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आएगा, करके देख लेना 12,750 टोटल कर देना इसका 13,750 1000 13,750, ये तो हो गया प्रोसेस अकाउंट। अब उसने बोला है साथ में एक नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाने के लिए, मैं यहां पे स्पेस थोड़ा कम है यहां पे बना रहा हूं मैं एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, सेम बनता है बेटे, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन में एबनॉर्मल वेस्टेज कहां लिखी है, राइट साइड पे लिखी है ना प्रोसेस के, इसको लेफ्ट में लिख दो, अकाउंट बनाते थे लेफ्ट वाली चीज राइट में, राइट वाली चीज लेफ्ट में, कौन से अकाउंट से आ रही है, प्रोसेस अकाउंट से, टू प्रोसेस अकाउंट 50 750, सेम वही है, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट। अब जो एबनॉर्मल वेस्टेज है क्या हम उसको सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, दिया हुआ था यूनिट 2 रुपीज 50 पैसे में सेल हो रहा है, तो बाय सेल प्रोसीड, कितने यूनिट, 50 यूनिट सेल कर सकते हैं, लिखा हुआ था 2 रुपीज 50 पैसे के हिसाब से 125 रुपीज सेल हो गया, 750 की चीज थी 125 में सेल हो गई, जितना रह गया उसे कहते हैं बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यूनिट तो कुछ बचे नहीं 625, बस इसको इक्वल कर देना बेटे, ये मैं आपको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, 625 जो बैलेंस आ रहा है ये आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बच गया मुझे सेल करने के बाद, इतना मेरा वेस्टेज हो गया, इतनी सेल होने के बाद इतना मुझे लॉस हो गया 625, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं एबनॉर्मल गेन अकाउंट नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर।